आज के वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में रासो साहित्य को। हम लोग आदिकाल से पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आज हम लोगों का है रासो साहित्य। ठीक है, तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक जो है उसी बुक को हम करवा रहे हैं टॉपिक वाइज से। ठीक है, तो आज हम लोगों का है रासो साहित्य, तो रासो साहित्य को देखते हैं। रासो साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। कहने का मतलब रासो साहित्य वीरगाथा काल के अंतर्गत इसको लिया है वीरगाथा काल में। ठीक है, रासो साहित्य को। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। शुक्ल के अनुसार क्या वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है विशलदेव रासो। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विद्वान क्या कहें, देखिए तो यहाँ विद्वान और यहाँ मूल शब्द, मतलब किसने क्या कहा है, कहने का मतलब यह है। तो गारसा दत्तासी कहे हैं राजसूय यज्ञ से, मतलब रासो शब्द की भी उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से माने हैं। कौन? गारसा दत्तासी। हरप्रसाद शास्त्री राजयश से माने हैं। नरोत्तम स्वामी रासक से माने हैं। कविराज श्यामलदास रहस्य से माने हैं। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से माने हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी रास से माने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से माने हैं। ठीक है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस से माने हैं या रास से माने हैं। दशरथ शर्मा रासक से माने हैं। माता प्रसाद गुप्त रासक से माने हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद गणपत चंद्रगुप्त रासक से माने हैं। और रासक का विकास रासक से रास रासा रासु रासो हुआ है। ठीक है, ये माने हैं। इसके बाद रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। तो रासो साहित्य की रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया गया है और रचनाकार को शुक्ल के अनुसार। तो दलपत विजय खुमार रासो रचना है दलपत विजय की, और नौवीं सदी में रचना हुई वीर गाथा पर रचना है, वीर रस की रचना है। ठीक है, वीर पर एक रचना है। और भाषा इसकी है राजस्थानी। भाषा क्या है? राजस्थानी। और प्रबंध काव्य है। नरपत नाल विशलदेव रासो लिखे हैं नरपत नाल, और 1212 में है। ठीक है, इसके बाद श्रृंगार रस की रचना है। कौन श्रृंगार रस की कौन रचना है? विशलदेव रासो। इसके बाद चार खंड हैं इसमें। काव्य रूप है वीर गीत। हाँ, रस इसमें श्रृंगार है और काव्य रूप वीर गीत है। ठीक है ना। इसके बाद जगनिक परमाल रासो, जिसको आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आला खंड के नाम से भी ये मतलब इसका प्रकाशन हुआ था। 1230 समय है इसका। वीर रस की रचना है, वीर गीत काव्य रूप है। इसके बाद आगे चलते हैं। चंदवरदाई जो कि लिखे हैं पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना है चंदवरदाई की, वीर रस की रचना है। 69 समय है इसमें। डिंगल भाषा है और प्रबंध काव्य है। वीर और श्रृंगार इसमें दोनों है, कहने का मतलब। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज रासो में। और केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश रचना है 1224, वीर रस की रचना है और प्रबंध काव्य है।
मधुकर भट्ट जयमंग जसचंद्रिका 1243 में, और प्रबंध है, प्रबंध काव्य है। इसके बाद सारंगधर हमीर रासो रचना है और समय का उल्लेख नहीं है इसका। नल सिंह विजयपाल रासो रचना है, वीर रस की रचना है, 42 छंद है इसमें, वीर गीत काव्य है। श्रीधर रणमल छंद 1454, वीर रस है और 70 छंद हैं, डिंगल भाषा और वीर गीत परंपरा की रचना है, वीर गीत काव्य है इसका। काव्य रूप है क्या? वीर गीत काव्य रूप है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद वरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद वरदाई का लिखा हुआ है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य प्रथम महाकवि चंद वरदाई को कहा जा सकता है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, मतभेद निम्नांकित है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर मतभेद है, कोई प्रमाणित इसको प्रमाणिक मानता है, कोई अप्रमाणिक माना है। तो देखिए कौन प्रमाणिक माना है, कौन अप्रमाणिक माना है और कौन अर्ध प्रमाणिक माना है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ है प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, यहाँ अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, यहाँ अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो श्याम सुंदर दास पहले देख लेते हैं प्रामाणिक कितने लोग माने हैं। तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या, इसके बाद कर्नल टॉड। अब देखते हैं अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, तो इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, बुलर, मुरारीदान, ये सभी क्या माने हैं? अप्रमाणिक। और अर्ध प्रमाणिक माने हैं मुनजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, इतने लोग माने हैं अर्ध प्रमाणिक। तो पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। चंद वरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृति पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद वरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन नरपत नाल कृत बीसलदेव रासो में मिलता है। कय मास वध पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को किसने स्वीकार किया है? शुक्ल जी ने। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासों में किसका वर्णन है? आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है।
आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बांसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अब देखते हैं विद्यापति को, जो कि 1350 से 1450 ईस्वी इनका समय है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं, तो संस्कृत में, अवहट्ट में और मैथिली में। तो देखते हैं संस्कृत में कौन कौन सा है। शैव सर्वसुसार संस्कृत में है, अवहट्ट में है कीर्तिलता और मैथिली में है पदावली। इसके बाद फिर संस्कृत में है गंगा वाक्यावली, अवहट्ट में है कीर्ति पताका, फिर मैथिली में है गोरक्ष विजय और ये नाटक है। इसके बाद देखते हैं तो एक साथ सबको देख लेते हैं। पहले संस्कृत रचनाओं को देख लेते हैं। शैव सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगड़ी, भू परिक्रमा, दानवाक्यावली, इसके बाद पुरुष परीक्षा विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य, तो ये सभी संस्कृत में हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं अवहट्ट में, अवहट्ट में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अब देख लेते हैं मैथिली में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो पदावली, गोरक्ष विजय, और जो कि गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। गद्य जो है एक संस्कृत में है और पद्य भाग है मैथिली में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शिव सिंह और कीर्ति सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्ति और रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नलिखित है। तो देखते हैं कौन कौन से श्रृंगारी माने हैं और कौन कौन से लोग भक्ति के भक्त माने हैं, कौन कौन से लोग रहस्यवादी माने हैं। तो देखिए श्रृंगारी मानने वाले विद्वान हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभदा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इतने लोग माने हैं श्रृंगारी। और भक्त कितने लोग माने हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय है। इसके बाद श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये माने हैं भक्त। और रहस्यवादी माने हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये सभी माने हैं रहस्यवादी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पदावली के श्रृंगारिक पदों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र का एक कथन है, और कथन भी आता है एग्जाम में, कथन देकर पूछा जाता है कि किसका कथन है। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसके बाद विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है।
तो विद्यापति को क्या क्या कहा गया है? अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि, नवकवि शेखर और खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल आदि। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ठीक है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं, तो देख लेते हैं पद्यांश को। कीर्तिलता से ये है, देसिल ब अना सब जन मिठा, ते तें सन जम्पों अवहट्टा अवहट्ठा। दूसरा है, रज लुद्ध असलान बुद्धि, बिकम बले हारल, पास बैस विश्वासी राय, गयनेसर मारल। तो ये कीर्तिलता से, इसके बाद और भी है, इसको देखते हैं। और मारंत राय रण रोल पंडु पंडु मेन हा हा सद्ध हुआ, सुर राय नयर नर नर अर रमण बाम, नयन पफुरी धू धू। इसके बाद तीसरा है, कतहु तुरुक बरकर बार जायते बेगार धर, धर आने बाभन बरुआ, मथा चढ़ाओ ई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दूरहि निकार, छोटो तुरुक तुरुका भबकी मार। चौथा है, जय सुरसा होसे मम भाषा, जो जो बुंझिहिसो करी प्रशंसा। इसके बाद है छठा, पुरुष कहानी हो कहो जस पत्थावय पुन्नु। इसके बाद नेक्स्ट है सातवां, बाल चंद विजावह भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये सभी थे विद्यापति के। और ख देखते हैं पदावली से, अब ख पदावली से देखते हैं क्या क्या है। तो पदावली से, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूल तनु भरई। दूसरा, सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। तीसरा है, सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनह रूप वचन इक भाषी, मुख से दूर करू चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक कौन है? विद्यापति, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं, च मन तूतीय हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम। इसके अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। मतलब खुद खुसरो कहे हैं। इसके बाद पहेलियाँ देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा,
चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश, और ये पहेली है। आगे चलते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल में खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बत्ती है इसका आंसर। तीसरा है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। ये पायजामा है। चौथा है, अरस्त इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका हो जाएगा दर्पण। ठीक है, अब ब्रज भाषा रूप देख लेते हैं इनका। चूक भय कुछ बांसो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। दूसरा, एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा जो पानी। तीसरा है, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ में वाके छेद, मोह अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। दोहे और गीत ब्रजभाषा में है, इनके दोहे और गीत जो है ब्रजभाषा में है। तो देख लेते हैं। उज्जल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरी मन पीठ को पीऊ को, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। दूसरा है, मोरो जोबन नवेल रा भयो हैं गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। क्या है इसमें, दिख कम रहा है क्योंकि साफ इसमें नहीं दिख रहा है, तो छोड़िए इसको। तीसरा है, जे हाल मिसकी मकुन, तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, किताबें हिजरा न दारम ए जा, न लेहु काहे लगाए छतिया। आगे चलते हैं। तो इनकी पंक्तियों को हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इनकी पंक्तियों को किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे।